Welcome to the lecture series on atomic structure, and this is part 11 where we will try to understand what is electronic configuration. तो बच्चों आपका स्वागत है एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम पार्ट 11 इसका स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने की कोशिश करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स की, जो कि एस पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे. क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में या शेल में या सब शेल में फिल होते हैं. अकॉर्डिंगली अब हमें बड़ी आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एलिमेंट्स का हम बना सकते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर आर टू Understand about the ground state electronic configuration of atoms. तो हमें क्या जानना है कि ground state में जब excited state नहीं है atoms की, तो वहां पर उसका electronic configuration क्या होगा. कुछ exceptions हम जानना चाहेंगे electronic configuration के, कि कौन कौन से जो exceptions होते हैं electronic configuration में, and relationship between electronic configuration in position and classification of the elements in the periodic table. तो उसी बेसिस पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में. और ये एक्सेप्शन के साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हाउ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे आर वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस. ओके, तो जब हम ये लेक्चर पढ़ लेंगे तो वहां से हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव हम फुलफिल कर सकते हैं, हमें आंसर मिल सकते हैं इन क्वेश्चन के. पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे हम कहते हैं. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल, इन द सब शेल, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम. तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है वो शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल्स में जो होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और जो इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग है, द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सब शेल, शेल एंड ऑर्बिटल्स, दे टेक्स प्लेस एज पर अपाउज, पॉलीज एंड हुंडरोल्स. सो यहां पर ये तीनों रूल्स फॉलो होंगे, उनके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी. द एनर्जी ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीजेस. तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है. इसके साथ ही आप देखेंगे कि जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आल्सो डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ एल, एंड यू विल फाइंड दैट हायर द वैल्यू ऑफ एल मोर विल बी द एनर्जी. तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, देन पी की, उससे ज्यादा डी की, देन एफ की एनर्जी होगी. तो ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी का क्रम है. दूसरा आपने इसमें एक रूल और पढ़ा था, एन प्लस एल रूल, उसके अकॉर्डिंग भी हम कोशिश करेंगे देखने की कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी एलिमेंट का राइट कर सकते हैं. देखेंगे कि हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन, कैसे वो लिखा जा सकता है, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है सिंपल. अगर हम सिंपल देखें तो हम लिखते हैं एन एल की पावर एम, जहां पर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर के सापेक्ष जो और जो सब शेल आएगा उसको हम लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर एल जीरो है तो एल की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, एस. अगर एल की वैल्यू वन है तो हम एल की वैल्यू क्या लिखेंगे, P. तो इस तरीके से हम L में स्टेट का जो जो ऑर्बिटल जो सब शेल है उसका नाम लिखेंगे, और M है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उस सब शेल में आएंगे. ओके, तो N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंड M इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट और आयन, दीज सिंबल्स आर रिटन वन after the other in increasing order of their energy. Actually this is the energy, so this is the order of energy. Okay,
कैसे फील होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ती है उस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है. द इलेक्ट्रॉन फीलिंग अकर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? ओके, तो फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वी शुड नो द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट. हमको क्या पता होना चाहिए? हमको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. फिर आप देखेंगे कि हमें वो थ्री रूल्स पता होने हैं जिनके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं ऑर्बिटल्स में. और हमें पता होना चाहिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन जो शेल में हो सकते हैं, सब शेल में हो सकते हैं या ऑर्बिटल में हो सकते हैं. तो ये अगर हमें तीन बातें पता होंगी जो कि हम पढ़ चुके हैं, हम तीनों रूल पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं शेल में, सब शेल में, ऑर्बिटल में, वो हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था. तो इलेक्ट्रॉन्स शेल में कितने हो सकते हैं? 2n² n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 × 2l+1 l यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर है. और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं? 2. तो ये जानकारियां हमें होनी चाहिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे. क्या पता होना चाहिए? एटॉमिक नंबर. दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए? सारे रूल्स पता होने चाहिए जो हमने ऑपबाउ प्रिंसिपल पढ़ा है, जो हमने होन्स रूल पढ़ा है, और हमने जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा है वो हमें पता होने चाहिए. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए सेल में, सब शेल में एंड ऑर्बिटल में. अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो मैंने आपसे कहा कि हमें पता होना चाहिए उनका एटॉमिक नंबर. तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. तो अब मुझे एटॉमिक नंबर पता है. दूसरा, अब मैं जानती हूँ कि सबसे कम जो एनर्जी होती है हमने ऑपबाउ रूल में देखी थी वो किस में होती है? 1s ऑर्बिटल की. तो जब 1s ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होती है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 1s ऑर्बिटल में. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 1s1. अब अगर मैं लिथियम को देखूँ तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 3. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है. मुझे एटॉमिक नंबर पता है. अब मुझे ये पता है कि जो सबसे कम एनर्जी है 1s की है, देन उससे अधिक एनर्जी 2s की है जो कि मैंने ऑपबाउ प्रिंसिपल में देखा था. तो अब देखिए, जो s ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2. ये मुझे पता होना चाहिए. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए. उसके बाद जो एनर्जी है वो 2s ऑर्बिटल की है, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1. तो एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? 2s1 में. अगर मैं पोटेशियम को देखूं तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 19 है. अगर मुझे पता होगा तो 19 एटॉमिक नंबर है, 19 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है. तो अब आप देखिए कि यहां पर पोटेशियम का, ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है 1s 2s 2p. ओके, अब 2d नहीं होता है, 3s. ओके, 3p. अब आप देखिए, अब आप पहले इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करिए. यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 मैक्सिमम. एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 मैक्सिमम. पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 6. आपने देखा 2 × 2l+1. तो अगर मुझे पी पता है ये 1 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने आ सकते हैं? 6. तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10. फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ सकते हैं, ठीक है. फिर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए. अब 6 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएंगे. ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन. के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में. तो कहां पर चला जाएगा एक इलेक्ट्रॉन? 4s में. देखिए, इसके बाद आता 3d एंड 4s. अब अगर 3d और 4s में हम इनकी एनर्जी देखें, किसकी एनर्जी अधिक होगी? यहां पर अगर आप देखेंगे कि यहां पर 3 + 2 कितना आया? 5. ओके, 3d का क्या है? जो n प्लस एल की वैल्यू है वो 5 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है. तो किसकी एनर्जी कम होगी? 4s की. इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 4s में जाएगा. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि देखिए, इलेक्ट्रॉन गया s में, लास्ट इलेक्ट्रॉन. यहां पर भी इलेक्ट्रॉन गया s में, लिथियम के केस में. सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन 3s1 में जाएगा, 3s1 हो जाएगा फाइनली. और देन पोटेशियम में 4s1, देन 5s1, देन 6s1, देन 7s1, एंड इस तरीके से आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? s में.
तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है एस में, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो जनरल होगा वो क्या होगा NS1 होगा। ओके, अब हम देखेंगे अगर मैं इस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं, जो पहली रो थी ये एल्कली मेटल्स की थी, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब इसमें अगर मैं बेरिलियम को लूं, बेरिलियम को देखें, तो बेरिलियम के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 4 है। तो 4 है और हमें पता है कि जो पहला ऑर्बिटल होता है 1s और दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होता है 2s। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन 1s में और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए देखिए s ऑर्बिटल में, इसलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं मैग्नीशियम को देखूं तो मैग्नीशियम के केस में 12 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो देखिए 1s ऑर्बिटल है, देन 2s की एनर्जी है, देन 2p की एनर्जी है, फिर 3s की एनर्जी है। ओके, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहां जा सकते हैं, दो यहां जा सकते हैं, 6 यहां जा सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन बचे तो कहां चले जाएंगे 3s में, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां गए 3s में, अगेन ये s ब्लॉक एलिमेंट है। इस तरीके से आप देखेंगे जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन दो जाते हैं कहां पर s ऑर्बिटल में, और n का नंबर अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बढ़ता जाएगा, अगर ये 2s है तो ये 3s2 4s2 5s2 एंड सो ऑन। और यहां पर जो एल्कली मेटल्स हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन एक होगा एस ऑर्बिटल में और यहां पर दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों में इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं एस में, इसलिए कैसे एलिमेंट है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरीके से क्योंकि हमें अपवाउ रूल पता है, मैं आपको एक बार एनर्जी डायग्राम फिर दिखाती हूं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करेंगे। अपवाउ का जो रूल था एन प्लस एल रूल, यहां पर आपने देखा सबसे अधिक एनर्जी है 1s की, देन 2s की, देन 2p, 3s, 3p, 4s, 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से एनर्जी फील होगी, 1s में दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, 2 में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, देन 2, देन यहां पर 6d में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 1s में 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे और सारे रूल्स को फॉलो करते हुए फिलिंग करेंगे, तो आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, जहां पर आपने देखा कि s ब्लॉक एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में फिल होते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा जो NS1 जो कन्फिग्रेशन है वो किनका है एल्कली मेटल्स का, ये क्या है एल्कली मेटल्स, और NS2 किनका है वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है। ये देखिए एक जो कन्फिग्रेशन होगा वैलेंस शेल का होगा, वैलेंस शेल मीन सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एस में जाएंगे, इसलिए उसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो होंगे एस ऑर्बिटल में और एस में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो यहां पर जो कन्फिग्रेशन है आप देखेंगे एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगा, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, और ये जो है वो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, इसको कहते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का होगा। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने आपको बताया किस तरीके से उसे हम लिखते हैं। तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो कि मैं भी आपको दिखाने वाली हूं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट जहां पर 13 ग्रुप है, 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, 16 है, 17 है, 18 है, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा पी में जाएगा। अगर हम 13 ग्रुप को, अभी मैं आपको सारे एग्जाम्पल दिखाती हूँ, 13 ग्रुप को अगर हम देखें हमें एटोमिक नंबर पता होने चाहिए, 14 ग्रुप को अगर हम देखें तो उसका जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगा, 15 ग्रुप को अगर हम देखें, 16, 17 ये हम 1x1 में आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगी, बाकी जो ग्रुप के जो मेंबर हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन भी उसी तरीके से होंगे, जो आउटर मोस्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन है वो वही आएगा, बट जो एक शेल है वो बढ़ के आएगा, मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विल बी हायर। तो जैसे हम बोरोन को लें 13 ग्रुप के एलिमेंट को जिसका एटोमिक नंबर 5 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2, और इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है 2p, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें एक इलेक्ट्रॉन, तो ये p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है देखिए, तो ये कैसा है ये जो है p ब्लॉक एलिमेंट है, इसका जो वैलेंस शेल है वो 2s2p1, ये इसका वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ओके, अब अगर मैं इसके नीचे एल्यूमिनियम को देखूं तो एल्यूमिनियम का 13 कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2,
ओके एंड 3p1 तो कितना हो गया 13। तो यहाँ का जो इसका जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है क्या हो गया 3s2p1। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि यहां से जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाएगी। अब बोरॉन के बाद अगर हम कार्बन को देखें जिसका जो 6 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यानी यहाँ पर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं 2s2 2p2। इसी तरीके से इसके नीचे जो एलिमेंट होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3s2p2। इसके नीचे जो आप एनर्जी लेवल्स भरेंगे वो बिल्कुल अबव रूल के अकॉर्डिंग भरेंगे। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आप देखिए एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ओके। देन अगर हम नाइट्रोजन देखें 7 जिसका है वो और राइट साइड में है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो अब आप देखिए p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये जो है 15 ग्रुप का एलिमेंट है और इसको 5 ग्रुप भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है। इसी तरीके से p फास्फोरस को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3s2 3p3। तो इस तरीके से आप देखेंगे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल विल इंक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज ओके। देन ऑक्सीजन अगर आप देखें 8 जिसका एटॉमिक नंबर होता है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4 ओके। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो देखिए अब यहां पर जो नाइट्रोजन का केस था वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे पी ऑर्बिटल में 1 1 1। देन जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी पी ऑर्बिटल में फिल होगा और वो इस तरीके से फिल होगा जहां पर आपने देखा कि हुंड रूल की फॉलो वो करेगा और इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसलिए ये 16 ग्रुप का या 6 ग्रुप का मेंबर है। देन अगर फ्लोरीन देखें जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। तो यहां पर जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो 7 है 17 ग्रुप का मेंबर है या इसको हम 7 ग्रुप का मेंबर भी कहते हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल में जा रहे हैं इसलिए ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर हम इसके बाद नियोन को देखें जिसका एटॉमिक नंबर 10 है तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। अगेन आप देख रहे हैं यहां पर जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो 8 है और इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है पी में। तो ऑल दीज एलिमेंट्स आर ऑफ ग्रुप पी ब्लॉक के ये एलिमेंट्स है। आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरीके से है। देखिए यहां पर जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो ns2np1 3 इलेक्ट्रॉन है तो 13 ग्रुप है। देन ns2p2 देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में तो 14 इलेक्ट्रॉन है। ns2p3 5 इलेक्ट्रॉन 15 ग्रुप। ns2p4 तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 16 ग्रुप है वैलेंस शेल में। ns2p5 7 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ग्रुप है। ns2p6 तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 18 ग्रुप है। इस तरीके से आप देखेंगे आप वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी इसका बता सकते हैं इजीली और आप इसका इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता सकते हैं। हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट रो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनका हम किस तरीके से देखेंगे। देखिए इसके लिए हमें इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम 23। एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते हैं। तो क्रोमियम का 24, एमएन का 25, 26, आयरन का 27, कोबाल्ट, निकेल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30 ओके। तो अब मैं अगर आपको एक हल्का सा हिंट दूं कि अगर 21 स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है तो 21 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आप पहले तो ऑर्बिटल लिख दीजिए 2s 2p 3s 3p ओके 4s एंड 3d। अब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आप इसमें फिल करना शुरू करिए। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें 6 जाएंगे, इसमें 2 जाएंगे, इसमें 6 जाएंगे। अब आप देखिए 10 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 इसमें चले जाएंगे, 18 20। अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा डी में। इसी तरीके से हर एक एलिमेंट में अब यहाँ पर नंबर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये 3d2 हो गया तो ये क्या है टाइटेनियम ओके। अगर ये 3d3 हो गया तो ये है
वेनेडियम. अब अगर हम क्रोमियम को छोड़ दें, ये एक्सेप्शन है और एक कॉपर एक्सेप्शन है. अगर हम Mn को देखें तो ये 3d5 होगा. ओके, अगर हम आयरन को देखें तो वो 3d6 होगा, और अगर हम कोबाल्ट को देखें तो वो 3d7 होगा, अगर हम निकेल को देखें तो वो 3d8 होगा, और अगर हम जिंक को देखें तो वो 3d10 होगा. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही रहेगा, लेकिन जो चेंज होगा नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन में ऐड होता रहेगा. बस यहाँ पर अब हम क्रोमियम और कॉपर को अगर कहेंगे तो ये एक्सेप्शन से हैं. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s1 3d5 होता है फाइनली, और यहाँ पर 4s1 3d10, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है. तो इस तरीके से अगर मैं आपको याद कराना चाहूँ तो आप देखिए इनर तो आपको ये याद करने ही होंगे. अब इसमें जो वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है वो ये है. ओके, अगर आप देखेंगे इसका वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, देखिए स्कैंडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 21 है, तो आप क्या करिए याद करिए 3d1 4s2. ओके, यानी दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जो 21 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो डी में है. फिर अगर हम टाइटेनियम को देखेंगे तो इसके दो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, डी में, 3d2 4s2 3d2. ओके, वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन है. ऐसी अगर हम वेनेडियम को देखेंगे तो वेनेडियम के केस में क्या हो जाएगा, 4s2 d3. देखिए जो तीन इलेक्ट्रॉन है 23 में, वो तीन इलेक्ट्रॉन डी में चले गए. अगर आप Mn को देखें तो अगेन यहां पर हो जाएगा 4s2 3d5. तो ये जो पांच इलेक्ट्रॉन है जो वो कहाँ चले गए, डी ऑर्बिटल में. बड़ा इजी है याद करना. फिर आप देखिए आयरन में अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4s2 3d6. 26 है ना, तो 26 का 6 यहाँ पर आ गया और 2 कहाँ चला गया, एस में. कोबाल्ट है तो कोबाल्ट में दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चले गए और डी में कितने चले गए, 7 इलेक्ट्रॉन. तो केवल आप कॉपर और क्रोमियम को छोड़ दीजिए, बहुत आसान है. देखिए निकिल में आप देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4s2, देखिए 28 है तो 4s2 एंड 3d8, डी में कितने चले जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से हम इजिली याद कर सकते हैं इनके वैलेंस कन्फिग्रेशन को. बाकी कन्फिग्रेशन अगर हम लिख लें इजिली एक का तो सबका हम आसानी से लिख सकते हैं. तो आप बताइए स्कैंडियम है तो उसका वैलेंशियल कन्फिग्रेशन क्या होगा, 4s2 3d1. तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं. अब हम आते हैं एक्सेप्शन पर, क्रोमियम और कॉपर किस तरीके से एक्सेप्शंस हैं. देखिए आप एक्सेप्शंस, देखिए क्रोमियम जो है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 3d4 4s2. ठीक है, या हम इसको 4s2 3d4 भी कह सकते हैं. एक्चुअल में इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, क्रोमियम का जो कन्फिग्रेशन होना है वो 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये कन्फिग्रेशन होता है 4s1 3d5. यहाँ लास्ट की बात कर रही हूँ, बाकी तो वही रहेगा. ऐसी क्रोमियम कॉपर का अगर हम कन्फिग्रेशन देखेंगे तो वो होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन ये होता है 4s1 3d10. तो ऐसा क्यों होता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए 4s हाफ फील्ड है और जो 3d है वो फुल फील्ड है, और यहाँ पर जो 4s है वो हाफ फील्ड है, 3d भी हाफ फील्ड है. तो ये कोशिश करते हैं हाफ फील्ड होने की या फुल फील्ड होने की. तो ये फुल फील्ड या हाफ फील्ड जो कन्फिग्रेशन होते हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं. ऐसा क्यों होता है, दो कारण होते हैं. एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सब शेल्स जो है उसके दो कारण हैं. पहला जो कारण है वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल. तो जैसा हम जानते हैं कि सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम. देखिए हम जो हैं या आप एक बटरफ्लाई ले लीजिए या आप नेचर में आप कुछ भी ले लीजिए, अधिकतर जो थिंग्स हैं दे आर सिमेट्रिकल, वो सिमेट्रिकल होती है. सिमेट्रिकल चीजें अच्छी भी दिखती हैं हमें, तो अच्छी दिखने का मतलब है बिकॉज ये क्या होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं. तो जहां पर भी सिमेट्री होगी वो स्टेबल सिस्टम होगा. नेचर में भी इसी तरीके से आप पाएंगे. तो ऐसे अगर हम देखें हाफ फील्ड या कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स या शेल को, सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें अगर हम देखें तो दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दी ऑर्बिटल्स दैट आर नॉट सिमेट्रिकली फील्ड, दैट आर नॉट कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड. तो उनसे ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है. सो ड्यू टू द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द इनकम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स. यहां पर देखिए
ये ऑर्बिटल, यहाँ पर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो ये सिमेट्रिकल है, देखिए एक सा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस ऑर्बिटल को देखूं तो भरा हुआ डी ऑर्बिटल है, तो सिमेट्रिकल दिख रहा है, सारे ऑर्बिटल भरे, ये पी ऑर्बिटल है सिमेट्रिकली फिल्ड, और ये पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है जो कि सिमेट्रिकली फिल्ड है। ओके, यहीं पर अगर मैं आपको एक ऑर्बिटल दिखाऊं पी ऑर्बिटल, और यहां पर मैं इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भर दूं, देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, या मैं अगर एक डी ऑर्बिटल आपको दिखाऊं और उसमें मैं आपसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करूं कि ये चार इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक एसिमेट्रिकल टाइप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, ये एसिमेट्रिकल है, जबकि ये जो फिलिंग है वो सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल फिलिंग जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो अगर फुल फिल्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे दे विल बी मोर स्टेबल, एक रीजन। ओके, रीजन आप देखिए, जो दूसरा रीजन होता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फील्ड या फुल फील्ड की, वो होती है कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। तो जो एक्सचेंज एनर्जी का कंसेप्ट है वो है कि द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल हैव अ पैरेलल स्पिन एंड दे कैन इजीली एक्सचेंज देयर पोजीशन। अगर इलेक्ट्रॉन्स सब शेल में पैरेलल स्पिन होती है जिनकी, उनका इजीली एक्सचेंज होता है, और जब ये एक्सचेंज होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो जब भी एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। सो एक्सचेंज एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज होते समय कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की वजह से ही स्टेबिलिटी आती है। तो ये जितना अधिक पैरेलल स्पिन होगी किसी भी कन्फिग्रेशन में, उतना अधिक क्या होगा, एक्सचेंज होगा, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज होगी उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी उतना स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। सो इन केस ऑफ हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस इज मैक्सिमम ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर द स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे कि कैसे जितने अधिक इलेक्ट्रॉन की पैरेलल स्पिन होगी उतने ही अधिक एक्सचेंज होगी, उस वजह से जो कन्फिग्रेशन है दे बिकम स्टेबल। हाँ, पर देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो मैंने दिखाए हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए हाफ फील्ड है, तो इसमें किस तरीके से एक्सचेंज हो सकता है। देखिए अब आप पहले वाले को देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वो इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ, सबकी स्पिन क्या है, पैरेलल है। तो टोटल कितने तरीके के एक्सचेंज हो सकते हैं, देखिए चार एक्सचेंज। अब हम दूसरे को देखिए, इस सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देखिए, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी इसके एक्सचेंज की है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, सो दो पॉसिबिलिटी इसकी है। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को देखें तो ये इसके साथ एक्सचेंज हो सकता है, तो वन पॉसिबिलिटी इसकी है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 4+3 7+2 9+1 10। सो अगर इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसकी 10 पॉसिबिलिटी होगी एक्सचेंज होने की इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, कैसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देखिए कितने हैं, मान लीजिए डी ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन है मान लीजिए अनपेयर्ड। ओके, तो अब यहां पर एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी देखिए एक ही है और एक ही है, ठीक है, दो तो पॉसिबिलिटी ये है। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 3, केवल तीन ही पॉसिबिलिटी है एक्सचेंज होने की, तो इसकी एनर्जी क्या कम रिलीज होगी, कम रिलीज होगी, तो ये कम स्टेबल होगा। ओके, लेकिन जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने ज्यादा पैरेलल स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना अधिक एक्सचेंज होगा, इसलिए उतनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी और उतना ही अधिक स्टेबल कन्फिग्रेशन होगा। ये फुल फिल्ड होता तब भी क्या होती, देखिए 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन होते और 5 इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन क्या होती, अपोजिट डायरेक्शन में होती, तो इस तरीके से उनमें भी एक्सचेंज होता, तो टोटल एक्सचेंज जो है वो बहुत बढ़ जाता, इसलिए जो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है दे आर स्टेबल कन्फिग्रेशन। नाउ सी द केस ऑफ पी ऑर्बिटल, तो आप देखिए एक्सचेंज, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो दो पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, तो वन पॉसिबिलिटी है, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 3, 3 एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी है। ओके,
हम ऐसा एग्जांपल देखें जहां पर पी में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी। तो कितनी पॉसिबिलिटी है एक्सचेंज की, एक पॉसिबिलिटी। और अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को देखें तो देयर आर नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, देखिए हाफ फिल्ड, फिर ये है, फिर इसका मतलब जो हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होते हैं या फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन होते हैं जहां पर पैरेलल स्पिन अधिक होती है, वो वहां पर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही अधिक होता है और उतना ही अधिक उनकी क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। जैसे हमने इस लेक्चर में देखिए क्या समझा, हमने समझा कि जो एटम्स हैं उनका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ था, उसके अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करने की कोशिश करी और वो हमने ऑपबाउ रूल को फॉलो किया, उसमें हमने हुंड रूल को फॉलो किया, उसको हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं और उससे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आई एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। फिर आपने देखा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपने दो एक्सेप्शन देखे, क्रोमियम एंड कॉपर, जहां पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, वो आते हैं डी में भी हाफ फिल्ड हो जाते हैं या फुल फिल्ड हो जाते हैं और एस में क्या हो जाते हैं, हाफ फिल्ड हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस दे आर वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस। दो रीजन है उसके दो कारण है, एक कारण है एक्सचेंज एनर्जी, यानी एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और जितना अधिक एक्सचेंज होता है उतना अधिक स्टेबिलिटी होती है क्योंकि उतनी ही अधिक एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। दूसरा कारण था सिमेट्री, अगर वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस होंगे तो वो सिमेट्रिक होंगे नेचर के और सिमेट्रिक जो होते हैं वो क्या होती है, स्टेबल स्टेबिलिटी देता है, जो सिमेट्री होती है वो स्टेबिलिटी प्रदान करती है। ओके, फिर आपने देखा रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको लेफ्ट में रखते हैं, उनमें जो एस में इलेक्ट्रॉन जाता है इसलिए उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। फिर आपने देखा पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम राइट साइड में रखते हैं और उनको जो है उनमें जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉन है वो पी में जाते हैं। देन आपने देखा कि डी जो बीच में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे जिनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फिल होते हैं, डी ऑर्बिटल में फिल होते हैं, इसलिए हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं और उनको हम मिडिल पोजीशन जनरली देते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से शेल में, सब शेल में एंड ऑर्बिटल्स में अरेंज होते हैं। ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एस पी एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड स्लेटर्स रूल। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना, अगले लेक्चर में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और स्लेटर्स रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।